क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कहां पर सबसे पहले फ्री वाईफाई ऑफर किया गया था? और जब एसिड अटैक लेडी के हस्बैंड से पूछा गया कि आपने इनको अब तक क्यों नहीं छोड़ा, तो हस्बैंड ने क्या कहा होगा? अगर नहीं पता तो ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 10, जर्मन फिजिसिस्ट अर्नोल्ड सोमरफील्ड को 84 टाइम यानी 84 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक बार भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। और यही नहीं, अब तक उनके कई स्टूडेंट्स भी नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। फैक्ट नंबर 9, बारामुंडी फिश। ये एक ऐसी मछली है जिसकी ग्रोथ एक मेल फिश की तरह होती है, लेकिन 2 साल बाद ये फीमेल में बदल जाती है। फैक्ट नंबर 8, अक्सर गेम्स वो लोग जीतते हैं जिनका फोकस केवल इस बात पर होता है कि इस खेल को और बेहतर तरीके से कैसे खेला जा सकता है, ना कि वो लोग जीतते हैं जिनकी आंखें केवल स्कोर बोर्ड की तरफ होती हैं। फैक्ट नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस में हर साल 90,000 PhD की डिग्री दी जाती हैं, जिसमें से मोर देन हाफ डिग्री यानी 50,000 डिग्री फेक होती हैं और 40,000 वाकई में PhD स्कॉलर होते हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर अर्थ पर रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ 6 महीने की ऑक्सीजन क्रिएट की जाए तो इसकी कॉस्ट टोटल $38 ट्रिलियन पड़ेगी, और आपको मालूम नहीं पड़ता कि ट्रीज हमारे कितने रुपए सेव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज 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 सेव ट्रीज, डोंट रिप्लेस द ट्रीज बाय एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग। फैक्ट नंबर 5, जब एक एसिड अटैक लेडी के हस्बैंड से पूछा गया कि आपने इनको अब तक डायवोर्स क्यों नहीं दिया, तो उनका जवाब सुनने लायक था। हस्बैंड ने कहा कि मैंने अपनी वाइफ की बॉडी से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार किया है। फैक्ट नंबर 4, केनिया में रहने वाला ये शख्स हर दिन के कुछ कीमती घंटे प्यासे जानवरों को पानी पिलाने के लिए देता है, और कीमती इसलिए क्योंकि ही इज एन एंटरप्रेन्योर। फैक्ट नंबर 3, ताइवान एक ऐसा कंट्री है जिसने पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले अपने कंट्री के सिटीजन्स और वहां आने वाले फॉरेन टूरिस्ट को फ्री वाईफाई प्रोवाइड करवाया। फैक्ट नंबर 2, जापान में एक शख्स ने अपनी ब्लाइंड वाइफ के प्यार की खातिर गुलाब का पूरा गार्डन ही तैयार करवा दिया। इस गार्डन को तैयार करने के लिए उसे 2 साल लगे। मिसेस क्रोकी की डायबिटीज के कारण आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाने के बाद मिसेस क्रोकी ज्यादातर वक्त घर में ही बिताने लगी। इसके बाद मिस्टर क्रोकी ने गुलाबों का एक बड़ा सा बगीचा तैयार किया। अब उनका बगीचा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। जब फूलों के खिलने का मौसम होता है तब वहाँ हर रोज लगभग 7,000 लोग उन फूलों को देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 1, CJNS का टेट्राफोबिया। आपने कई तरह के फोबिया के बारे में सुना होगा, लेकिन C फॉर चाइना, J फॉर जापान, N फॉर नॉर्थ कोरिया एंड S फॉर साउथ कोरिया में 4 डिजिट का फोबिया है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ 4 नंबर को मौत के समान माना जाता है। इवन वो लोग 13, 22, 31 जैसे नंबर को भी यूज नहीं करते, क्योंकि इनका सम भी 4 है ना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर हेयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। उसके पास में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।